नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले बटरस्कॉच केक की रेसिपी। आज इसको मैं बिना अंडा बिना ओवन की बनाने वाली हूँ कढ़ाई पे। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लिया हूँ। बाउल में एक तिहाई कप ऑयल बिना फ्लेवर का और एक तिहाई कप दही, घर का ताजी दही लिया हूँ मैं, और आधा कप शक्कर की पाउडर। शक्कर नॉर्मल शक्कर को ग्राइंडर में पीस दिया हूँ। और बटरस्कॉच का एसेंस अगर है तो लीजिए, नहीं है तो वेनिला एसेंस ले सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो प्लेन केक बना सकते हैं। तो इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरा क्रीमी जैसा दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी। छन्नी में एक मतलब एक कप डालेंगे मैदा और इसके बाद दो चम्मच मैंने ले लिया हूँ दूध पाउडर, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक चम्मच ले लिया हूँ बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच बेकिंग सोडा। सारे चीज़ को अच्छे से छान लेंगे और ये देखिए नीचे से गुठलियाँ दिख रही है आपको, उसको अच्छे से इसके लिए ही छानते हैं। और मैंने अच्छे से छान लिया हूँ और उसको रखूँगी अभी साइड में थोड़ी दो मिनट के लिए। मैं केक ट्रे को सजा लेंगे जिसमें बनाएंगे, उसमें रखा एक बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा छिटक सकते हैं। तेल लगा के उसको अच्छे से मैं सेट कर लिया हूँ और साइड में भी लगा दिया हूँ। साइड में लगाने से क्या होता है, अच्छा सा कलर भी आता है और अच्छे से निकल भी जाता है। और सारे चीज़ को मैं अभी मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा, मैं आधा कप दूध लिया हूँ तो अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। ऐसे एक ही शेप में मिक्स करेंगे, राउंड शेप में, और अच्छी एक बैटर बन जाएगा हमारा। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, अच्छे से चारों ओर जो लगा है उसको निकाल लेंगे। और ऐसे फ्लोरिंग बैटर हम आपको चाहिए। और ये देखिए अभी क्या करेंगे, बैटर केक की ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। सारे बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। मैं पहले से कढ़ाई में कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया हूँ गैस में, पूरा धीमी आंच में रख दिया हूँ 10 मिनट के लिए। और ये थोड़ा सा टैप करेंगे, नीचे जो भी बबल्स होगा ना तो वो निकल जाएगा। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक दिया हूँ, रेगुलर नमक जो खाने वाला नमक है वही है। और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया हूँ, अगर स्टैंड नहीं है आप एक प्लेट उल्टा करके रख सकते हैं। और अभी हम लोग जो केक ट्रे तैयार कर रहे थे उसको रख देंगे उसके अंदर और उसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के 30 से 40 मिनट तक उसको बेक करेंगे। और बीच में भी एक बार आप देख लीजिएगा कि केक बनी है कि नहीं है। तो मेरे को अभी 35 मिनट हुआ है तो मैं अभी चेक करूँगी केक बनी है कि नहीं है। ऊपर से तो लग रहा है बन गया है और टूथपेस्ट पूरा क्लियर आ रही है। तो अभी हमारा केक बन गई है। गैस बंद करके केक ट्रे को निकाल के बाहर रख देंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। और अभी मैं कैरामलाइज करने वाली हूँ। तो 3 से 4 चम्मच आप शक्कर लीजिए और उसको एक ऐसी बर्तन में रख लीजिए। थोड़ी से वो मतलब थोड़ी सी मेल्ट होने के बाद आप क्या चलाइए। और ये देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। पूरा गैस को आप धीमी आंच में ही रखिएगा, नहीं तो हमारा कैरामलाइज पूरा जल जाएगा।
और उसमें अभी डालूंगी 1 चम्मच बटर। ये बटर स्कॉच का केक है, इसके लिए मैं बटर डाल रहा हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे बटर के साथ शक्कर को। अभी मिक्स हो गया है दोस्तों। अभी थोड़ी से 2 से 3 चम्मच में दूध डाल दिया हूँ। और ये सब जो प्रोसेस है ना, पूरा धीमी आंच में ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है, नहीं तो जब आप दूध डाल रहे हो ना तो गैस भी बंद कर सकते हैं दोस्तों। और अच्छे से बटर मतलब उसको सारे चीज़ को मिक्स करेंगे दोस्तों। और ये देखिए हमारा कैरमलाइजर बन के रेडी हो गई है। सॉस बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और सारे चीज़ को ध्यान से ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है। तो हमारा सॉस बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए मैं गैस बंद कर दिया हूँ। ऐसी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाएगा ना और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी हमारा केक भी ठंडा हो गई है। और ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए ही बोल रही थी कि पेपर साइड में देने से ना जल्दी से निकल जाएगा और अच्छे से कलर भी आ जाएगा। और ये देखिए केक का कितने अच्छे से केक का कलर भी आई है, और स्पंज भी बहुत हुई है ये देखिए। आप केक को बेकरी से लाने से अच्छी है, घर पे बना के रेडी कर सकते हैं, खा सकते हैं। कोई भी पार्टी वगैरह है या फिर झटपट से अगर कोई मीठी चीज़ खाने का मन कर रहा है ना, तो आप ऐसी बना के घर पे ही इजीली खा सकते हैं। तो मैंने केक को पलटा दिया है, और उसके बाद ऐसे एक फोक्स लेके एक चारर फोक्स मार रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी दूध में ना शक्कर 2 चम्मच डाल दिया हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। हमारा जो केक का मॉइस्चर वो बना रहेगा। और अगर आप दूध ना डालना चाहते हैं ना, तो आप इधर शक्कर की मतलब पानी भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच मतलब पानी और 2 चम्मच शक्कर लेके। मॉइस्चर करने के बाद हमारा जो कैरमलाइजर सॉक्स बनाए थे ना, उसको ऊपर से इसे डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो सॉक्स ना बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आगे जो भी मैं नया वीडियो डालूँगी ना, नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। और जो भी इन्ग्रीडियंट्स लिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको 10 सेकंड चेक कर लीजिएगा। मैंने कैरमलाइज्ड सॉक्स को अच्छे से केक के ऊपर लगा लिया हूँ दोस्तों। और इसके बाद आप डेकोरेट आप हिसाब से आप कीजिएगा, कुछ भी आप इधर ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फूटी कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। मेरे पास थोड़ा सा बटर स्कॉच का ये था ड्राई फ्रूट्स, तो मैं उसको डाल दिया हूँ ऊपर से ऐसे। और अभी कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। अब मैं कट कर रहा हूँ तो आपको पता ही चल गया कितना स्पंजी बनी है हमारा केक। तो चलिए देखते हैं, आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको यह बहुत ही पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, वाह कितनी अच्छी और स्पंजी बनी है केक। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। बाय बाय।